एज यू सो सो शैल यू रीप, अर्थात जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भी मिल जाएगा। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है रिगार्ड। बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा गया था मुझसे, REGARD, रिगार्ड। इसका पहला अर्थ है आदर करना। ही इज हाईली रिगार्डेड एज ए टीचर, उसका टीचर के रूप में बहुत सम्मान किया जाता है। ही इज हाईली रिगार्डेड बाय हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के द्वारा उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। दूसरा अर्थ है इसका देखना। ही रिगार्डेड मी विद सम डाउट, उसने मुझे संदेह भरी दृष्टि से देखा, संदेह भरी निगाह से देखा। ही रिगार्डेड मी विद सम डाउट, संदेह भरी निगाहों से दृष्टि से देखना। शंका, डाउट माने शंका, संदेह। ध्यान देना इसका तीसरा अर्थ है। ही नेवर रिगार्ड माई एडवाइस, वह मेरी एडवाइस पर यानी सलाह पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। माई सन नेवर रिगार्ड्स माई एडवाइस, मेरा बेटा ही मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, मेरी सलाह पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। माई ब्रदर डज नॉट रिगार्ड माई एडवाइस, मेरा भाई मेरी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से इनके सेंटेंस बनेंगे। ये तीन मैंने अर्थ इसके लिखे हैं। विदाउट रिगार्ड, विदाउट रिगार्ड का मतलब है बिना ख्याल किए। कुछ इतने बहादुर आदमी होते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो बिना ही ख्याल किए अपनी जिंदगी का भी, तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के और दूसरे की रक्षा कर लेते हैं। ही रैन इन टू द बर्निंग हाउस, वह एक जलते हुए घर में घुस गया। विदाउट रिगार्ड फॉर हिज सेफ्टी, बिना अपनी सुरक्षा का ख्याल किए, बिना ख्याल किए, बिना अपनी सुरक्षा का ख्याल किए वो एक जलते हुए घर में घुस गया। नो रिगार्ड, कोई लिहाज नहीं। नो रिगार्ड, ही हैज नो रिगार्ड फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए उसके मन में, उसके हृदय में कोई लिहाज ही नहीं है। ही हैज नो रिगार्ड फॉर अदर पीपल, प्रिंसिपल हैज नो रिगार्ड फॉर अदर टीचर्स, दूसरे टीचर्स के लिए प्रिंसिपल के मन में कोई लिहाज ही नहीं है। रिगार्डिंग के बारे में, रिगार्डिंग, हैव यू एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस फिल्म, हैव यू एनी सजेशंस, क्या आपके कुछ विचार हैं, कुछ सलाह है, हैव यू एनी सजेशंस इस फिल्म के बारे में, इस नाटक के बारे में लिखना है। दिस नाटक यानी प्ले, दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में, हैव यू एनी सजेशंस, क्या आपको कुछ कहना है, क्या आपके कुछ सुझाव हैं इस फिल्म के बारे में, हैव यू एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस फिल्म के बारे में। रिगार्डिंग माने के बारे में। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब बेपरवाह। आई मस्ट टेक द डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बिना किसी चीज की परवाह किए। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग का अर्थ है बिना किसी बात की परवाह किए हुए। आई मस्ट टेक द डिसीजन, मुझे कुछ ना कुछ निर्णय ले लेना चाहिए, जरूर ले लेना चाहिए, अवश्य ले लेना चाहिए। आई मस्ट टेक द डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बिना किसी बात की चिंता किए, परवाह किए, मुझे किसी डिसीजन पर, निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स माने शुभकामनाएं। रिगार्ड्स, नमस्ते वगैरह, शुभकामनाएं, जैसे बड़ों को दी जाती है चिट्ठी लिखते समय आखिर में कहते हैं कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की को मेरी नमस्ते कहें, शुभकामनाएं दें। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स
अपने माता पिता से मेरी नमस्ते कहिएगा, ये अर्थ बैठता है। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मदर, गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर, गिव माई रिगार्ड्स टू योर एल्डर ब्रदर, गिव माई रिगार्ड्स टू योर अंकल, इस तरीके से हम कह सकते हैं मेरी शुभकामनाएं उनको दें। तो जिनको भी देनी है मदर के स्थान पर उनको लिख सकते हैं। एज रिगार्ड्स, जहां तक संबंध है, एज रिगार्ड्स द मीटिंग, जहां तक सभा का संबंध है, मीटिंग माने सभा, जहां तक सभा का संबंध है, आई होप मैनी पीपल विल कम, मैं मुझे आशा है, आई होप मैनी पीपल विल कम, बहुत सारे लोग आएंगे। एज रिगार्ड्स द मीटिंग, एज रिगार्ड्स द मीटिंग, अर्थात जहां तक संबंध है सभा का, मीटिंग का, बहुत सारे लोग आएंगे। विद रिगार्ड टू के बारे में, विद रिगार्ड टू, बहुत उपयोग है इन शब्दों का, बहुत ध्यान से सुने। विद रिगार्ड टू, रिगार्ड्स टू नहीं, विद रिगार्ड टू के बारे में आई हैव नो कंप्लेंट विद रिगार्ड टू हिज वर्क, मुझे उसके काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट, कंप्लेंट माने शिकायत, कंप्लेंट विद रिगार्ड टू हिज वर्क, मुझे उसके काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, मुझे इस मामले में कुछ कहना ही नहीं है। आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, मुझे इस बारे में कुछ कहना ही नहीं है, के मामले में कुछ कहना ही नहीं है। इन दिस रिगार्ड, के मामले में, इस संबंध में, आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड, मुझे इस संबंध में कुछ कहना ही नहीं है, मुझे इस मामले में कुछ कहना ही नहीं है। अब देखें एनफ रिगार्ड, एनफ रिगार्ड क्या है, नाउन है। एनफ रिगार्ड, काफी सम्मान। आई हैव एनफ रिगार्ड फॉर हिज पेरेंट्स, मेरे दिल में बहुत सम्मान है उसके माता पिता के प्रति। आई हैव एनफ रिगार्ड फॉर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, या तुम्हारे माता के पिता के प्रति अगर लिखना है, आई हैव एनफ रिगार्ड फॉर योर पेरेंट्स, मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में बहुत रिगार्ड है, बहुत सम्मान है। किसी के लिए भी लिख सकते हैं। रिगार्ड माने मानना भी होता है, मानना। वी रिगार्ड भगत सिंह एज आवर हीरो, हम भगत सिंह को महान शहीद, भगत सिंह को हम अपना हीरो मानते हैं। वी रिगार्ड भगत सिंह महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप भी लिख सकते हैं, महाराणा प्रताप और जितने भी शहीद हुए हैं हमारे महान लोग, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। वी रिगार्ड महाराणा प्रताप एज आवर हीरो, वी रिगार्ड शिवाजी एज आवर हीरो, हम शिवाजी को अपना हीरो मानते हैं। वी रिगार्ड शिवाजी एज आवर हीरो, हम शिवाजी को अपना हीरो मानते हैं, बहुत महान व्यक्तित्व है ये सब। वी रिगार्ड आवर एक्शन एज ए क्राइम, दे रिगार्ड योर एक्शन, या वी रिगार्ड योर एक्शन एज ए क्राइम, हम तुम्हारे एक्शन को, तुम्हारे काम को एक अपराध मानते हैं, क्राइम मानते हैं। वी रिगार्ड योर एक्शन एज ए क्राइम, मानना है यहां पर इसका अर्थ है, मैंने अलग से दिए ये तीन सेंटेंस। यू नेवर रिगार्ड व्हाट आई से, तुम कभी उस बात को सम्मान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, मानते नहीं जो भी मैं कहता हूं। यू नेवर रिगार्ड व्हाट आई से, तुम कभी नहीं मानते, कभी ध्यान नहीं देते। व्हाट आई से, व्हाट आई से का अर्थ है जो मैं कहता हूं। यू नेवर रिगार्ड व्हाट आई से, तुम कभी उसका सम्मान नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते जो भी कुछ भी कहता हूं। हिज फ्रेंड्स रिगार्ड हिम एज ए जोक, उसके दोस्त उसको सम्मान तो करते नहीं, मजाक समझते, मजाक समझ, समझना यहां पर अर्थ है। हिज फ्रेंड्स रिगार्ड हिम एज ए जोक, उसको चुटकुले की तरह लेते हैं, मजाक की तरह लेते हैं उसके दोस्त, उसका मजाक उड़ाते, कहने का मतलब ये। हिज फ्रेंड्स रिगार्ड हिम एज ए जोक, उसके दोस्त
उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसको चुटकुले की तरह मजाक की तरह लेते हैं। तो रिगार्ड का मैंने कई अर्थ दिए हैं, कई अन्य शब्द भी दिए हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।